स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी है इस समय? सर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो लास्ट फ्राइडे को हमने दो स्टॉक इंट्रोड्यूस किया था, एक है लेमन ट्री और दूसरा MHRIL। मैंने बोला था होटल सेक्टर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो फ्राइडे को अगर किसी ने लिया है तो 70-71 में लिया था, आज देखिए 5% ऊपर है और 76 चल रहा है। हमारा टारगेट 90 का था, 85 एंड 90, उसी तरफ जा रहा है। अगर किसी ने नहीं लिया है, मिस कर दिया है तो भी ले सकते हैं, इसीलिए मैंने स्टॉक वापिस बोल रहा हूँ मैं। जी इसका जो स्टॉप लॉस बैठेगा सर, अब स्टॉप लॉस बढ़ा के, अब स्टॉप लॉस सर मैं एलिमेंट्री कंप्लीट कर लूँ। जी, स्टॉप चलो तो लॉस सर उसको मतलब बढ़ा के, अब हाँ स्टॉप लॉस बढ़ा के हमने 65 का, 64 का स्टॉप लॉस दिया था जब 70-71 था, अब स्टॉप लॉस बढ़ा के 68 कर दीजिए और इसको होल्ड रखिए। 76 चल रहा है, हमें लगता है 80-85 बहुत जल्दी आपको दिखा देगा, नया एंट्री भी कर सकते हैं, बट अभी 60-70% करें, 20-30% होल्ड कर लें। अगर 73-72 मिल जाए तो और भी अच्छा होगा लेने का। तो ये और मैं तो सिर्फ वो देख रहा था सर कि दोनों में वो आईफिल टावर जैसा कुछ बनता हुआ मुझे दिख रहा है, लेमन ट्री में भी और MHRIL में भी, तो सर बहुत कोशिश बहुत करते हैं बधाई। सर, समय से पहले निकालने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीक तक कोई चल नहीं रहा था ये स्टॉक, बट हमें थोड़ा सा हिंस आ गया था ये स्टॉक चल सकता है फ्राइडे के सेशन में, जब ये 230 के करीब था, अभी 244 चल रहा है, तो इसको भी 246 तक आधार गया है। 250 का हमारा पहला टारगेट था, तो टारगेट के एकदम पास आ गया है एक दिन के अंदर ही। बट इसका टारगेट सर लंबा टारगेट मैंने आपको बताया था, वो 300 प्लस है, तो उसका तो होल्ड रखना ही है। 244 अभी चल रहा है सर, अगर किसी को लेना है तो इसी भाव में भी ले सकते हैं वापिस, 244 में भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बढ़ा के आप 232-233 का कर लें। टारगेट सर हम 250 का रिवाइज करके 265 का कर रहे कितने का कर रहे हैं सर? हैं, 265। 265, ठीक है, 265 के अभी टारगेट कर 300 रहे तक हैं रिवाइज। जाएगा सर, 300 तक हम रिवाइज करते रहेंगे, 300 तक, उसके अच्छा बाद अच्छा फिर अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो वो जो लोकेश जी कहते हैं कि जैसे जैसे लेवल्स आते जाएंगे वैसे वैसे वो रिवाइज करते जाएंगे, उसको रिव्यू करते जाएंगे, तो वो चीजें हो रही हैं। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल सेक्टर बढ़िया तेजी के साथ में, दोनों स्टॉक्स लेमन ट्री और MHRIL और रिवेंज ट्रेवल का फायदा आता हुआ दिखता है दोनों स्टॉक्स के अंदर में, और उसका लाभ उम्मीद करते हैं कि आपने भी उठाया होगा, क्योंकि लोकेश जी ने बढ़िया टाइमली बता दिया था और अभी भी क्या अपॉर्चुनिटी बची है वो भी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बधाई, बढ़िया स्टॉक, बढ़िया एनालिसिस और बढ़िया मुनाफा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।